शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः प्रणाम गुरुदेव। आ गई बेटा। हाँ गुरुदेव। आज 4 महीने से तुम मेरी बहुत सेवा कर रही हो बेटा। आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है, यही मेरा सौभाग्य है। कल प्रातः काल यहाँ से प्रस्थान करने से पहले तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें बेटा एक वरदान दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा। ऐसे उतावली होकर कहाँ भागी जा रही हो? इतना कीमती हार और झुमके, क्या बात है? राजकुमारी कुंती ने भेंट दी है, महर्षि दुर्वासा उनकी चातुर्मास की प्रेरणा से प्रसन्न हुए हैं। कल प्रातःकाल वरदान देंगे इसी खुशी में। तो इससे भी ज्यादा अच्छी भेंट मैं राजकुमारी गांधारी से ही ले लूंगी। आ गई बेटा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 100 पुत्रों की माता बनो। प्रणाम। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम कुंती। तुम अभी तक यहीं हो, क्या दूसरा कुछ चाहिए? और कुछ? आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ महर्षि। आशीर्वाद? हाँ। 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान क्या कम पड़ा? वरदान मुझे दिया? मैं तो अभी अभी आई हूँ महर्षि। अभी? हाँ। तो पहले कौन आकर गया? पहले बेटी, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। जगत जिन्हें कभी नहीं भूल सके, तुम ऐसे तेजस्वी और पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी, ये मेरा आशीर्वाद है बेटी। पराक्रमी? प्रणाम। गांधारी, मेरी ध्यानस्थ अवस्था का तुमने गैर लाभ लिया है। वरदान प्राप्त करने के लिए तुमने मेरे साथ कपट किया है। मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हें मेरा श्राप है कि तुम जैसी कपटी माता के पुत्र कपटी ही होंगे। ये है महाभारत, ये है महाभारत, ये है महाभारत। युग युग से कथा जिसकी घर घर गवाए रे, ये है महाभारत सत की लड़ाई है। युग युग से कथा जिसकी घर घर गवाए रे, ये है महाभारत सत की लड़ाई है। सुख संपत्ति का रंग थोड़ी दूर करने, धर्म और अधर्म के बीच जंग खेल में, मुट्ठी में प्राण ले जो उसकी मजाल है, ये है महाभारत सत की लड़ाई है। धन हक के लाख ढेर के सामने जाना नहीं, हक की एक पाई भी छुड़ाएगी नहीं। आए भले ललकार कहाँ उसकी फिक्र है, ये है महाभारत सत की लड़ाई है।
अधिकार है, पापी को दंड देना एक ही पुकार है। जीवन के धड़कन में जिसके संग सच्चाई है, ये है महाभारत सत्य की लड़ाई है। असत्य के ही सामने चाहे भाई भाई है, सत्य का साथ देना ये गीता में कहा है। जहाँ कर्म और धर्म की ऐसी रचना है, ये है महाभारत सत्य की लड़ाई है। युद्ध के रणभूमि में रिश्ते नहीं चलते, पिता के सामने पुत्र कंधा भिड़ाए। व्यवहार कारण प्रभु मेरे बैर होता है, ये है महाभारत सत्य की लड़ाई है। कर्ण और अर्जुन की जननी एक है, लड़े आमने सामने विधि का ही लेख है। संत रचते हैं उसका जिसका अन्न खाते हैं, ये है महाभारत सत्य की लड़ाई है। युग युग से कथा जिसकी घर घर गवाए रे, ये है महाभारत सत्य की लड़ाई है। दुर्योधन, तुम्हारे अभिमान को आज चूर चूर कर दूंगा। भीमसेन, मेरी गदा से तुम बच नहीं पाओगे। मेरे युवराज पद को छीनने वाले पांडवों का मैं सत्यानाश कर दूंगा। सत्यानाश पांडवों का नहीं, कौरवों का होगा। सत्यानाश होगा कौरवों का। ये ले। भीमसेन, कृष्ण, वीर भीमसेन, क्रोध को काबू में रखो, अभी शांत हो जाओ, समय को समय का काम करने दो। अर्जुन, माधव, चलो। जय शिव शंभु। मामा, ये वैभव, ये सत्ता, ये हस्तिनापुर का राज्य। शांत हो जाओ भांजे, शांत हो जाओ। तेल देखो, तेल की धार देखो, जो उतावला वो हारा। मतलब अब हमें पांडवों की दया पर जीना होगा, उनके चरणों में हमें रोज रोज अपना मस्तक झुकाना होगा। नहीं भांजे नहीं, पांडवों का कांटा हमेशा के लिए निकल जाए और युवराज पर तुम्हें मिले, इसके लिए एक अनोखी और अद्भुत योजना पूर्ण करने की व्यवस्था कर ली है मैंने। पांडव जलकर खाक हो जाएंगे। जय शिव शंभो। वाह मामा वाह, लक्षाग्रह। न्याय मूर्ति माता कुंती की जय। पांडव पुत्र युधिष्ठर की जय। पधारिए माता कुंती। पूर्वचन, व्यवस्था तो सब पूर्ण है ना? जी महाराज, पधारिए पधारिए महाराज। चलिए आइए 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 महाराज। बड़े भैया, क्या बात है? बाहर कुछ और, अंदर कुछ और। अरे बाहर से देखने वाले अंदर के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। हाँ। आप लोग यात्रा से थक गए होंगे,
आप लोग। लगता है तूफान आने वाला है, आप लोग आराम करिए। पांडवों, ये लाक्षाग्रह तुम्हारी चिता बनेगा और मामा शकुनि की ओर से मुझे इनाम मिलेगा। बेटा पूर्वचन, तुम्हें मामा शकुनि का इनाम ऊपर मिलेगा ऊपर, पहले मेरा इनाम लेता जा। नहीं, नहीं, नहीं। जय अग्निदेवाय नमः। माँ 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 माँ, बड़े भैया, अर्जुन माँ, उठो 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 उठो। क्या हुआ भैया? प्रवचन ने आग लगा दी है माँ, चलो जल्दी चलो, चलो उधर प्रवचन ने आग लगा दी है, चलो चलो माँ, चलो चलो माँ, चलो चलो भैया, उधर 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 माँ। अरे ये तो चारों तरफ आग लगी हुई है, उधर देखो प्रवचन ने आग लगा दी। माँ को बचाओ, चलो तुम चलो माँ। अरे अरे मार्ग तो कहीं भी दिख नहीं रहा, कहीं से भी निकलने का प्रयत्न करेंगे, सब मिलकर निकल जाएंगे यहाँ से। चिंता मत करो बेटा, यहाँ पर अन्य द्वार अवश्य होगा। तू क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, मार्ग दिखाओ ना। वहाँ उस कोने में सुरंग है बड़े भाई। तो अब तक बोला क्यों नहीं? अभी तक आपने मुझसे पूछा ही नहीं। हाँ? एक बार विदुर काका कह रहे थे इस लाक्षाग्रह में कहीं सुरंग है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। बेटा जरूर जरूर यह मार्ग होगा। चलो शीघ्र चलो चलो। हाँ हाँ चलो माँ, चलो 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 भ्राता, जल्दी करो, चलो जल्दी 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 आओ। आई आओ माँ, चलो 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 चलो। हाँ आजा, जल्दी चलो 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 भाई चलो। द्रौपदी, श्री कृष्णा, भैया, स्वस्थ शरीर के लिए क्रोध हानिकारक है। ये क्रोध नहीं, व्याकुलता है, वेदना है। वेदना है? ऐसा क्या घटित हो गया है कि हमारी बहन इतनी दुखी है? आपने नहीं सुना, पांडव लाक्षागृह में सुलग गए। विधि के विधान को कौन टाल सकता है? ऐसा क्रूर विधान, किंतु पांडव तो चिरंजीवी सर्जित हुए थे। तुम्हारा कहना यथार्थ है द्रौपदी, वो पांच पांडव में पार्थ थे। होंगे, मुझे लगा मेरे स्वयंवर में पार्थ अवश्य आएंगे, अन्य राजवीर भी आएंगे, किंतु मत से भेद केवल अर्जुन ही कर सकते हैं। दूसरे भी कर सकते हैं? दूसरे भी कर सकते हैं। मतलब किंतु भैया। किंतु क्या बहन, स्वयंवर की तिथि तय हो चुकी है, राजवीरों को आमंत्रण पहुंच गया है, अन्य सब तैयारियां भी हो चुकी है, मतलब यह स्वयंवर तो होगा और मत से भेदन भी होगा। भले हो, परंतु पार्थ बिना स्वयंवर, मतलब प्राण बिना शरीर, लाचार हूं कि मैं उन्हें रोक नहीं सकी। लेकिन भैया, आपको तो आना ही होगा। प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं, वचन दीजिए कि आप आएंगे। भैया, आप नहीं आएंगे तो
तो मेरी शादी में जाओ दिल, कौन होमेगा? आएंगे ना भैया? आऊंगा बहन, अवश्य आऊंगा। भैया, भीम कब से भोजन का प्रबंध करने गया है माता, अभी तक नहीं लौटा। धीरज रखो बेटा, आता ही होगा। माँ, माँ। देखो, आ गए भाई। आ गया। ला। ये लो माँ। ले आए? हाँ माँ। चलो पांचों भाई आपस में बांट। अरे माँ, आप हमेशा से बांटने वाली बात करती है। गाड़ी रोको। क्यों रो रही हो बहन? ये आंसू तो जीवन भर के हैं। ऐसा क्या हो गया? हम पर तो संकट टूट पड़ा है। हम ब्राह्मण हैं और ये हमारा इकलौता पुत्र है। दक्षिणा की आशा से द्रौपदी के स्वयंवर में जाने वाला था, किंतु हमारे भाग्य में स्वयंवर का मंडप नहीं, परंतु इकलौते पुत्र की मौत है। मौत? हाँ, इदम राक्षस के साथ ऐसा करार है कि अगर उसके अन्याय से हमें बचना है तो उसके बदले में एक बालक और गाड़ी भरकर भोजन भेजना होगा। आज हमारे बेटे की बारी है। डरो मत बहन, आज आपका बेटा नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं भाई नहीं, तुम भी तो किसी के बेटे हो। अरे भाई, इसकी बात सही है, मतलब माँ की ममता के लिए मैं मृत्यु से डरूं? मृत्यु का भय रखने वाले कब अमर होते हैं? उस राक्षस के सामने मैं जाऊंगा। पुत्र। हाँ माँ, ये भोजन भरी हुई गाड़ी, तुम सब गाड़ी से उतरो। अरे उतरो गाड़ी से, आज वो राक्षस रहेगा या मैं रहूंगा। चौकड़े, मेरे भाग का भोजन खा रहा है। भूख लगी है। फिर मैं क्या खाऊंगा? हवा खाओ, आसमान खाओ, छींक खाओ, खांसी खाओ, पसंद न हो तो धूल खाओ। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। मुझे खाने से पहले एक बात समझ लेना, मैं पाचक नहीं रेचक हूँ। तुम्हारे पेट के अंदर जाते ही मैं ऐसी खलबली मचाऊंगा कि तुम्हारे पेट की अतड़िया बाहर आ जाएगी। तू हिडिम को डराना चाहता है? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें मरने की जल्दी तो नहीं है ना? भाई तनिक पेट भरकर खा तो लेने दो ना। मृत्यु तो आज तुम्हारी होगी। इसका काम तमाम हो गया। भैया हिडम, भैया हिडम, आप तो मारे गए, अब मेरा कौन? आप ही बताए मुझे, आप ही बताइए। बचाओ बड़े भैया। युधिष्ठिर, माँ, भीम को गए बहुत वक्त हो गया, तुम लोग कोई जाकर देखो तो सही। हाँ माँ, मैं और अर्जुन दोनों अभी जाते हैं। हाँ नकुल सहदेव, तुम दोनों माँ के पास रहना। ठीक है भैया। चलो बड़े भैया। जाओ पुत्र। माँ,
बड़े भैया बचाओ बचाओ। क्या हुआ भाई? महाराज महाराज महाराज। बड़े भैया मुझे इससे बचा लो। महाराज रक्षा करो, आप ही मुझे संभाल लो, आप ही संभाल लो। कौन हो तुम? आपके भाई ने जिसका वध किया है उस हिडम की बहन मैं हिडम्बा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? हिडम बिना मेरा जगत में कोई नहीं है, उसके मृत्यु से मैं निराधार हो गई हूँ, तो मुझे अपनी दासी बनाकर मुझे आधार दीजिए। तुम्हें अगर हम लोग सहारा देंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगी। तुम्हारी सेवा में भारी पड़ जाएगी। किंतु सहारा देना हमारा धर्म है। मुझे आपकी पत्नी बनकर रहने दो। रहने दो भाई। हाँ भाई, इतनी अच्छी भाभी हमें कहाँ मिलेगी? भाभी? हाँ, आप दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। और इस जोड़ी को मेरा आशीर्वाद है। नाथ, ये मुसीबत मेरे गले, परंतु बड़े भैया की आज्ञा है तो उसे नहीं तोड़ूंगा। किंतु हे भोलेनाथ, मेरे हाथों किसी ऐसे का वध नहीं करवाना जिसकी बहन ऐसी हो। स्वयंवर का समय होने आया, किंतु माधव मेरे भाई अभी तक नहीं आए। अरे अब तुमने द्वारका में पूछताछ की? हाँ, किंतु द्वारकाधीश वहां नहीं थे। नहीं थे? वृंदावन में तुम पूछताछ करने गए थे ना? मधुसूदन वहां भी नहीं थे। मथुरा में तो मिले ना? नहीं, मदन कहीं नहीं है। गोकुल में तो मिले ही होंगे। तो क्या मेरे भैया मेरे स्वयंवर में नहीं आएंगे? भैया आपके बिना ज्योतिल कौन होमेगा, कौन होमेगा? Thank you.
में आएंगे तो मेरी शादी में जाओ दिल कौन होमेगा? आएंगे ना भैया? आदरणीय अतिथियों, मैं दृष्टद्रोण मेरे पूज्य पिता ध्रुपद की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज द्रौपदी के स्वयंवर का शुभ अवसर है। ऊपर घूमता चक्र है और नीचे तेल में गिरते प्रतिबिंब को देखकर जो शूरवीर चक्र पर के मछली की आंख छेदन करेगा उसे मेरी बहन द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो आप सबको अपना कौशल दिखाने के लिए मैं नम्र विनती करता हूं। गौरव कुलभूषण मामा शकुनी एंड कुलभूषण मामा शकुनी, दिखा दूं मैं अपना कौशल? कौरव दीप लक्ष्मण जिसमें है उन्हें दिखा रहे दो। जिसमें है? तुम्हारे मामा में। जय शिव शंभो। अब सिंधु नरेश मत्स्य भेदन करेंगे। धनुर्धारी है, निशाना कहा, नजर कहा? अब विश्व विजेता मगध सम्राट जरासंघ मत्स्य भेदन करेंगे। कौशल के नाम पर शून्य, केवल अहंकार है अहंकार। कौरव कुलभूषण दुर्योधन के कौशल पर सारी सभा को विश्वास है। मामा श्री आशीर्वाद दीजिए। भांजे, द्रौपदी तुम्हारे लिए ही बनी है। मामा, मुझे देने लायक आशीर्वाद मेरे पिता को कोई बात नहीं। भैया, पिताजी ने मत से भेद किया होता तो महल में चौतेली मार दी। चुप। नन्ना, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज तो क्या, मैं पूरी मछली भेज दूंगा। तुम फिर बोले, यहाँ गुल्ली डंडा नहीं खेलना है। जा, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। दुर्योधन, तुम्हारे पराजय को मैं विजय में परिवर्तित कर दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है कर्ण। रुक जाओ। भैया,
इन्हें मत से भेद करने का अधिकार नहीं, ये दासी पुत्र है। द्रौपदी, कर्ण अंग देश का राजा है। वो राज्य उन्हें दान में मिला है, मैं उन्हें राजा मानती नहीं और मैं उन्हें वरमाला पहनाऊंगी नहीं। चलो कर्ण। काका, कर्ण। बंद कर तेरी बड़बड़। दृष्टद्रोण, तेरी बहन ने कर्ण को रोका है। तेरी बहन सदा कुंवारी रहेगी, क्योंकि कर्ण जैसा धनुषधारी इस पूरी सभा में कोई नहीं है। उससे बड़ा धनुषधारी है। तो पधारिए और दिखाइए अपना कौशल। रुक जाओ। यह ब्राह्मण है, यह भले ही पराक्रमी हो, परंतु क्षत्रिय कन्या उसे वरमाला नहीं पहनाएगी। दुशासन, ब्राह्मण चारों वर्णों में महान होते हैं। तो आप उसे महान कहो कृष्ण, किंतु यह अन्याय है। सीधी तरह मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो हम सामना करेंगे। पार्थ और पंचाली का सामना करने वाले को हम पांडव खत्म कर देंगे। मामा, आप तो कहते थे कि पांडव लक्षाग्रह में जलकर मर गए। दुर्योधन, अभी सारी सभा पांडवों की ओर है, चुपचाप निकल चलो यहाँ से। माँ, देखो हम लोग क्या लाए हैं। जो होगा वो पांचों पांडव बांट लो। माँ, पांच पांडव बांट लो। नहीं नहीं, हे प्रभु। माँ, ये आपने क्या कह दिया, क्या कह दिया माँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ ने बिना देखे जो बात कही वह हम सबको मुश्किल में डाल देगा। क्या लेकर आए हो? माँ, कौन पांचाली? मतलब अर्जुन मत्स्य वेद करके तुम्हें लाया है? ओह, कुछ भी सोचे समझे देखे बगैर पुत्र वधु को आशीर्वाद देने के बदले पांच पतियों का श्राप दे बैठी। ये श्राप नहीं है भैया। प्रणाम। आशीर्वाद है, ये विधि का विधान है। किंतु भैया, पांच पति गोपाल, मधुसूदन, बहन, पूर्व जन्म में तप करके तुमने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। तब तुमने अनजाने में बोला था पति देही पति देही, इसलिए उसके फलस्वरूप इस जन्म में तुम्हें पांच पांडव पति स्वरूप मिले हैं। बहन, पांचों को एक ही समझना, और पांडवों, आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा। द्रौपदी के साथ जब एक पांडव हो तब भूल से भी उस कक्ष में प्रवेश करने वाले उस पांडव को पश्चाताप स्वरूप 12 वर्षों का वनवास भोगना होगा। हमें स्वीकार है। बहन, माँ का आशीर्वाद लो। प्रणाम माँ। अखंड सौभाग्यवती भव। युधिष्ठिर,
अब पांचाली को लेकर वन वन भटकने से अच्छा है कि तुम कौरवों के पास जाकर अपना अधिकार मांगो। जो आ गया आशीर्वाद है। पधारो युधिष्ठिर, पधारो। पूज्य बड़ों को प्रणाम। जय श्री शंभु, तुम्हें जीवित देखकर हमें अति प्रसन्नता हो रही है। हाँ बच्चों, आप लोगों के अकाल अवसान के समाचार से हमें ऐसा सदमा लगा था कि अब मैं क्या बताऊं, मैं तो फूट फूट कर रोया था। सच कहा ना मामा? हाँ भांजे, तुम्हारे बहते आंसुओं का मैं साक्षी हूँ। रोना ही चाहिए दुर्योधन, तुम्हारे यहाँ ऐसा अवसर आएगा तो मैं भी फूट फूट कर रोऊंगा, साक्षी रहना भाई। भाइयों के पुनर्मिलन के समय आंसुओं की बात क्यों कर रहे हो बेटा? सत्य है पितामह, हम तो अपना अधिकार मांगने आए हैं। अर्जुन, अधिकार मांगा नहीं जाता। दुर्योधन, युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ अपना राज्य मांगने आए हैं, और न्याय और नीति कहती है कि युवराज पद युधिष्ठिर को ही मिलना चाहिए। किंतु मामा, मैं तो न्याय, धर्म और नीति की बात कर रहा हूँ, और तुम तो जानते ही हो भांजे कि जैसे मेरे लिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, वैसे ही तुम और दुशासन। सत्य है मामा, युवराज पद पर दुर्योधन रहे, इसमें अन्याय नहीं, अधर्म नहीं। नहीं है, लेकिन एक राज में दो राजा होना भी संभव नहीं है। मेरी मानुम तो एक समान राज्य के दो भाग कर दो। हाँ, एक दो युधिष्ठिर को और एक दो दुर्योधन को। आपका कहना उचित है गुरुदेव, पांडवों की यही इच्छा हो तो सर आंखों पर। युधिष्ठिर आप हस्तिनापुर में रहो और हम बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं को लेकर कहीं और चले जाएंगे। नहीं नहीं, बड़े हमारे पूजनीय हैं, आप जाओ उसमें हमारी शोभा नहीं है, हम ही कहीं चले जाएंगे। तुम्हारी यही इच्छा तो ठीक है, हम यहीं रहेंगे बस। तो हमें कोई स्थान दे दो। तुम्हारे लिए तो एक ही स्थान होना चाहिए कि जहाँ शांत वातावरण हो, स्वच्छ पवन हो, निर्मल जल हो, ऐसा एक ही स्थान है खांडव प्रस्थ। हाँ हाँ, उत्तम और उचित स्थान है यह खांडवप्रस्थ। शांत वातावरण, स्वच्छ पवन और निर्मल जल। जल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे एक दूसरे का आंसू पिएंगे भाई, और इस वृक्ष के नीचे अपना दरबार होगा, मध्य में बड़े भैया का सिंहासन होगा, और पशु पंछी और जीव जंतु पर हम लोग राज्य करेंगे। वो तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि मामा शकुनी ने हमें फिर से लाक्षागृह नहीं भेजा। ऐसा ना कहो भाई, हमारा एक दूसरे का साथ है और सर पर श्री कृष्ण का हाथ है, हम यही राजधानी का सर्जन करेंगे। किंतु इस वन का विसर्जन कैसे करेंगे? इस विशाल वन को काटने में तो वर्षों लग जाएंगे। वर्षों नहीं, मात्र कुछ क्षण। गांडीवधारी अर्जुन की जय हो। कौन? कौन हो तुम? मैं ही दानव, तक्षक नाग के बंधन से आज आपने मुझे मुक्त किया है, ये ऋण मैं कैसे चुकाऊं? अर्जुन, कौन? देवादिदेव इंद्र? प्रणाम। आयुष्मान भवा। महीदानव, तुम्हें ऋण चुकाना है ना, तो इसी जगह पांडवों के लिए अनुपम नगरी की रचना करो। जो आज्ञा प्रभु। आपके आशीर्वाद से इस नगरी का नाम हम लोग इंद्रप्रस्थ रखेंगे, जैसी तुम लोगों की इच्छा। जय शिव शंभो। मामा आपके पास उल्टे पड़े। जय शिव शंभो। पांडव तो जंगल में मंगल मना रहे हैं, पांचों सुखी हो गए हैं पांचाली के साथ। किंतु पांडव तो चले गए पिताजी, और अर्जुन तो पूरी तरह गए। हाँ, अर्जुन का देहांत हो गया? चौंक गए ना मामा, अर्जुन मंगा नहीं है, वो तो जंगल में मंगल कर रहे हैं, और उन पांचों को जंगल में फिर से जाना पड़ा। चुप। अर्जुन को जंगल में जाना पड़ा, वो किस लिए? मामा वो तो ब्राह्मण की गाय छुड़ाने के लिए
और अर्जुन अपने शस्त्र लेने के लिए युधिष्ठिर और द्रौपदी जहाँ बैठे थे वहाँ गए, इसलिए उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। बड़े भैया, बड़े भैया, ये क्या, किसके लिए, किसकी ओर से? मेरी ओर से। कृष्णा, सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ तय किया है। तुम्हारा क्या मत है? सुयोग्य पात्र के साथ बहन का विवाह हो, यही मेरा मत है। तुम्हारी ओर से इसी तरह के उत्तर की मुझे आशा थी। अरे हाँ बड़े भैया, याद आया, एक त्रिकालदर्शी महात्मा आए हैं। क्या? प्रखर ज्ञानी हैं। आपकी अनुमति हो तो इस विवाह का शुभ मुहूर्त उन्हीं से निकलवाते हैं। अवश्य अवश्य, चलो दुर्योधन। चलिए, पधारिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महाराज, कौन है? मैं हूँ दुर्योधन। सुना है कि आप त्रिकालदर्शी हो। कृपा कर आप बताएंगे कि देवी सुभद्रा के साथ मेरे विवाह का मुहूर्त कब का है? हाँ, देखना पड़ेगा वत्स। विवाह का योग तो है, किंतु किंतु क्या? किंतु आपके ग्रह में सोम सोया है, मंगल जगा हुआ है, बुध बिगड़ा हुआ है, गुरु उलझन में है, शुक्र छिपा हुआ है, शनि 7:30 में है और रवि छुट्टी पर है। इसलिए ऐसा लगता है कि विवाह में विघ्न जरूर आएगा। विघ्न? विघ्न डालने वाले का मैं सर काट दूंगा। शिव 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 शिव। अरे राजन, आपका ग्रह आड़े है, इस अस्त्र शस्त्र से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उपवास करना पड़ेगा। उपवास? अवश्य अवश्य करूंगा महाराज। 8 दिन। 8? हाँ, जब तक पानी ग्रहण ना हो तब तक दिन में एक ही बार पानी पीना, समझे? एक ही बार? हाँ, नहीं तो पानी ग्रहण की बात पर पानी फिर जाएगा। और हाँ, दिन प्रतिदिन 2 घंटे तक शीर्षासन करना। महाराज, मैं सब कुछ करूंगा, किंतु लगन? लग्न? लग्न मैं करूंगा। तुम? अर्थात पहले मैं कन्या का हाथ देखूंगा और उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि आपका विवाह जीवन कैसा होगा। कन्या का हाथ कहाँ है? कन्या उपस्थित है महाराज। सुभद्रा। अद्भुत, अर्थात मैंने कन्या का हाथ मांगा और आपने पूरी कन्या ही हाजिर कर दी। किंतु क्षमा करना, मैं सबके सामने कन्या का हाथ नहीं देख सकता। वो तो हम नहीं जानते, आप हाथ देख लीजिए तो सब जान जाएंगे। जान जाएंगे ना बड़ा भैया? हाँ हाँ हा। चलो चलो चलो। किंतु देवी अकेले? अकेले अकेले कहाँ है, महात्मा भी है ना, और आपको शीर्षासन भी करना है ना। शीर्षासन? हाँ हाँ, चलो 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 चलिए चलो। माधव, सुभद्रे, वाह, नाजुक हो, कोमल हो, क्या अद्भुत रूप है। क्या कहा? क्रोधित ना हो सुंदरी, मैं सिर्फ हस्त रेखा ही नहीं, पूरे भविष्य के लिए समस्त देह रेखा भी देख सकता हूँ। आश्चर्य? आश्चर्य? हाँ, आपका लग्न योग है मेरे साथ। ऐसा कहते आपको शर्म नहीं आती? मैं पार्थ के साथ ही शादी करना चाहती हूँ। अंतर की आंखों से देखो, मैं तुम्हें पार्थ स्वरूप ही दिखूंगा। समा जाओ मेरी बाहों में, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पार्थ की बाहों में हो। सुभद्रा। हंस क्यों रहे हो? सारे संसार का भाल भरे तुम्हारे सर हो, परंतु सामान्य ज्ञान तुम्हें नहीं है। रुक्मिणी,
इसीलिए तो मैंने आपसे विवाह किया है। हाथ से मत करो, विचार कीजिए। सुभद्रा बहन युवा है, कुमारी है, और आप उसे अकेला साधु के पास छोड़ के रहे हैं। तो इसमें क्या अनुचित है? क्या अनुचित है? साधु भी कुमारा है, युवा है, परंतु एकांत का लाभ लेकर उसने सुभद्रा को परेशान किया तो? परेशान करेगा? शंका न करो, निश्चिंत रहो, वह अवश्य हैरान करेगा। क्या परेशान करेगा? और तुम? शांति शांति शांति, वो साधु कोई अन्य नहीं, किंतु सुभद्रा जिसे विवाह करना चाहती है ये वही अर्जुन है। अर्जुन? भैया भैया। क्या हुआ बहन? अभी के अभी बाहर निकालो उस महात्मा को। क्यों बहन? वो पाखंडी है, प्रेमी है, निर्लज्ज है। नहीं, नटखट है, नंपट है। एकांत का लाभ उठाए ऐसा निर्बल नहीं है। सत्य कहो सुभद्रा बहन, क्या तुम दुर्योधन से विवाह करना चाहती हो? नहीं, मैं शादी करूंगी तो पाल से ही, और उसमें आड़े आने वाले ग्रहों को ये महात्मा ही शांत कर सकते, समझ गई? इसलिए जाओ और शांति से उन्हें मिलो। किंतु भैया। भाई पर भरोसा रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ बहन। ठीक है, आप कहते हो तो मैं जाती हूँ। कहाँ है वो निर्लज्ज लंपट पाखंडी? सुभद्रे, मुझे याद किया देवी? साधु के रूप में आते थे, मेरी आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैंने आपको कितना बुरा भला कहा, हाथ उठाया। क्षमा कर दीजिए मुझे। क्षमा किस बात की देवी? साधु स्वरूप आपके सामने आकर मैंने आपको धोखा दिया, किंतु देवी को प्रसन्न करने के लिए ये स्वरूप मैंने धारण किया था देवी। और मैं पाखंडी नहीं, प्रेमी हूँ। मैंने पाखंड किया आपका प्रेम पाने के लिए, किंतु मेरे प्रेम में पाखंड नहीं। आपका प्रेम पाकर मैं धन्य हो गई। तुम्हारी यह दुष्टता, साधु के रूप में आकर किसी और की अमानत को मेरी बहन को स्पर्श करने की हिम्मत कैसे की? नहीं भैया, मैं पार्थ को अपना पति मान चुकी हूँ, और मैं दुर्योधन को वचन दे चुका हूँ, आवश्यकता पड़ी तो मैं इस दुष्ट के प्राण ले लूंगा। इन पर वार करने से पहले आपको मेरी जान लेनी पड़ेगी। देवी पार्थ, मैं तुम्हारे भाई का वध नहीं करना चाहता, किंतु भैया। मधुसूदन आप थोड़ा हास्य करने आया था, मारामारी नहीं, किंतु जल्दी जाओ यहाँ से, भैया बलराम स्वयं आ रहे हैं यहाँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ प्रणाम माता। सुखी रहना बहन, अखंड सौभाग्यवती भाव। जाओ जल्दी करो जाओ। हाँ हाँ जाओ। चलो कन्हैया, सुभद्रा कहाँ है? अर्जुन उसका हरण करके ले गया। अर्जुन? भाई साधु के रूप में अर्जुन था, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें इसकी कल्पना नहीं थी? हाँ भैया, सच कह रहा हूँ मैं। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? भैया सुभद्रा का भी मन था। कन्हैया। हाँ भैया, चाहो तो मेरी जान ले लो, किंतु शांत हो जाओ भैया। कन्हैया, तुम जो करते हो वो अच्छा ही करते हो। भैया आ गए। अरे पुत्र प्रिय, पार्थ बिना की पांचाली के हृदय की स्थिति आपको कल्पना कैसे होगी? हृदयेश्वरी, पांचाली अर्जुन के हृदय में बसने वाली। सच कहना नाथ, अभी प्यार बरसा रहे हो कि वहाँ वनवास में भी मेरी याद आती थी? अरे याद तो उसकी आती है जिसे जिसे भुलाया जाए। 12-12 साल तक आपको कहाँ कहाँ भटकना पड़ा होगा। बहुत घुमा द्रौपदी, और लौटते समय द्वारका की यात्रा भी करके आया हूँ। द्वारका? वहाँ मेरे भैया मिले होंगे ना? हाँ मिला था, और उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है खास प्रसाद भी। प्रसाद? कहाँ है प्रसाद, दीजिए ना। ये रहा वो प्रसाद। मतलब भैया ने प्रसाद में मेरे लिए सौतन भेजी है। पांचाली, मुझे आपका कुछ नहीं सुनना। द्रौपदी, भैया जैसे तुम मेरी बहन हो वैसे सुभद्रा भी मेरी बहन है, अपनी बहन है। अर्जुन पर जो तुम्हारा अधिकार है वो छीनने नहीं आई है। हाँ बहन,
पाद के जीवन में आपका स्थान प्रथम था और सदैव प्रथम रहेगा। मुझे केवल आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मेरी बहन सुभद्रा। अर्जुन। माँ। आ गए। हाँ माँ। 12 वर्ष के वनवास के बाद तुम्हें कुशल मंगल देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। प्रणाम माताश्री। बड़े भैया। अखंड सौभाग्यवती भव। युधिष्ठिर, पांचों पांडवों का मिलन प्रसन्नदायी है। पांचों मिले हो तो सुख शांति और समृद्धि के लिए राजसु यज्ञ करो, यही मेरी इच्छा है। अवश्य करूंगा। आज आप इतने व्याकुल क्यों हैं नाथ? पांडवों की प्रगति मेरी आंखों में चुभती है भानुमति। उनकी प्रगति से तो आपको खुशी होनी चाहिए, वो तो आपके भाई है नाथ। वो भाई नहीं दुश्मन है। प्रथम खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, माया महल और अब चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं। आज राजसु यज्ञ का निमंत्रण भेजकर उन्होंने मेरे घाव पर नमक छिड़का है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। किसी भी प्रकार की मूर्खता ना करनी हो तो ही साथ में चलना। नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं मूर्ख थोड़ी हूँ जो मूर्खता करूं। मैं तो सिर्फ देखूंगा कि घाव पर नमक कैसे छिड़कते हैं। चुप कर मूर्ख। जय शिव शंभो। मामा। दुर्योधन, पांडवों के निमंत्रण को सम्मान तो हमें देना ही चाहिए। किंतु मामा, बैर छिपा सकते हैं भांजे, मगर व्यवहार तो दिखाना ही पड़ता है, और व्यवहार दिखाने के लिए राजसु यज्ञ में हमें जाना ही पड़ेगा भांजे। आदरणीय अतिथि, हमारे निमंत्रण को मान देकर आप सब यहाँ पधारे हैं। हम आप सबका प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं आज के राजसु यज्ञ के पवित्र प्रमुख स्थान पर। पूजनीय द्वारकाधीश श्री कृष्ण विराजमान हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि आज के शुभ घड़ी पर। सावधान युधिष्ठिर, राज यज्ञ के पवित्र आसन पर कृष्ण क्यों? पैर की धूल को चंदन समझकर सर भी लगाते। शिशुपाल, इस पवित्र आसन के लिए श्री कृष्ण ही योग्य हैं। क्या गुरु द्रोणाचार्य नहीं, पितामह नहीं है? ये दुशासन, ये कर्ण, मामा शकुनी और दुर्योधन जैसे वीर पुरुष होने के बाद भी एक गाय चराने वाले ग्वाले को इस पवित्र आसन पर। शिशुपाल, मेहमान को अपने घर बुलाकर भरी सभा में हमारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उड़ाया है। शिशुपाल, आप लोग हमारा अपमान कर रहे हो। शिशुपाल, ये अपमान नहीं, आप जरा शांत हो जाइए। यदि सचमुच शांति चाहिए तो पांडवों को पहले आप। शिशुपाल, पांडवों के शुभ कार्य में विघ्न मत डालो तुम। पांडवों के लिए बहुत प्रेम उमड़ रहा है क्या? उनके मीठे पकवान खाने के नाम पर आपके मुंह में पानी छूट रहा है। और तुम्हारे मुंह से क्या फूल बरस रहे हैं शिशुपाल? फूल नहीं, अंगारे बरस रहे मेरे मुंह से। सगे मामा कंस के हत्यारे को देखकर मेरा खून खौल उठा है। ऐसा कहो कि तुम्हारे मन में पाप की ज्वाला धधक रही है। और ये ज्वाला तुम्हें जलाकर ही शांत होगा कालिया? हिम्मत है तो नीचे उतरो। जितना नीचे तुम उतर चुके हो उतना नीचे मैं नहीं उतर सकता शिशुपाल। डरपोक, कपटी, घात की। केशव, शिशुपाल तो तमाम मर्यादा को पार कर रहा है, फिर भी आप शांत हो? शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने की मैंने उसकी माता को वचन दिया है पार्थ। जब तक उसके 100 अपराध पूरे नहीं होंगे तब तक मैं उसे क्षमा करता रहूंगा। वचन की आड़ लेकर अपनी दुर्बलता ना छुपाओ चोर, उठो। शिशुपाल, तुम्हारे 96 अपराध पूरे हो चुके हैं, अब 4 ही बाकी रह गए हैं। तुम्हारा एक एक अपराध तुम्हें तुम्हारी मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मृत्यु का भय तुम्हारे जैसे कायर को होती है। शिशुपाल, अब तुम्हारे सिर्फ 3 अपराध बाकी रह गए हैं। कलंकी, अधर्मी, व्याभिचारी। अब तुम्हारा 1 अपराध बाकी रह गया है। जा, गोपियों के घेरे में नाचने वाले निर्लज नचैया। बस, तुम्हारी माता को दिए हुए वचनों से अब मैं मुक्त हुआ शिशुपाल। सावधान शिशुपाल।
अरे रे, कितना रक्त बह रहा है, कैसे लग गया भैया? शिशुपाल का वध करने के लिए छोड़े गए सुदर्शन चक्र से उंगली थोड़ी छिल गई। ओह, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बहन के हृदय में छिपे हुए प्यार को नापने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। किंतु बहन, इस मामूली घाव के लिए तुमने अपनी साड़ी फाड़ दी। अरे भाई, पर का मामूली घाव बहन के हृदय पर पहाड़ जैसा होता है। बहन, आज तुमने मुझे ये पट्टी नहीं बांधी, राखी बांधी है। रक्षाबंधन के बदले में भाई ने बहन को कुछ देना चाहिए, ये तो पता है ना? तो बोलो, क्या दे रहे हो? अभी वचन देता हूँ, आने पर तुम्हें अवश्य दूंगा। भैया, आपको जीतना संभव है बड़े भैया, क्या दाने डालते हो? ऐसा करो, 5 डालो। जय शिव शंभो। ओ, चौसर का खेल हो रहा है। समय बिता रहे हैं। मामा, आप तो चौसर खेलने में पारंगत हो ना? पारंगत? अरे मामा तो महापारंगत है इस विद्या में। आइए बैठिए मामा। ठीक है बैठिए। जय शिव शंभो। मजा आ गया मामा। कहना पड़ेगा मामा, भोजन करने में मजा आ गया। बस दुखे की बात है, जब भोजन स्वादिष्ट हो तो पेट जल्दी भर जाता है। ये लो, चिपके चिपके, मामा तो चौसर देखते ही चिपक जाते हैं। क्या हस्तिनापुर नहीं जानना है क्या? सबकी इच्छा है तो चलते हैं, चौपट तो फिर कभी खेल लेंगे। क्यों युधिष्ठिर? चौपट तो अवश्य खेलेंगे। वचन? वचन? अरे इंद्रप्रस्थक आए हैं तो माया महल देख कर ही जाइए ना। आपके माया महल का मखान तो बहुत सुना है, चलिए आज देख भी लेते हैं। क्यों मामा, सही है ना? जय शंभो। देखो कक्का, ये तो जंगल है जंगल, आपका माया महल यहाँ कहाँ है? तनिक ठीक से तो देखो। अरे काका, वाह काका वाह, ये तो अद्भुत है, जंगल में महल बन गया। पर महल से फिर जंगल तो नहीं बन जाएगा ना? जय शिव शंभो। नहीं, चलो अंदर। मामा मामा, आप कहाँ हो? मामा मैं यहाँ हूँ। लक्ष्मण, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया मामा? अरे हम यहाँ कैसे आए इसका पता तो मुझे भी नहीं। मुझे बाहर तो निकालो। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। अर्जुन काका, ये सब क्या हो रहा है? अरे लक्ष्मण, ये तो माया महल में प्रवेश का प्रसाद है। प्रसाद इतना अच्छा तो भोजन कैसा होगा? अंदर आओ, चलो। नहीं, मुझे नहीं आना। जय शिव शंभो। चलो अंदर आओ। अरे मामा, अर्जुन काका तो अंदर ध्यान हो गए, दीवार के आर पार निकल गए। चलो अब वापस चलते हैं। वापस कहाँ जा रहे हो शकुनी मामा? आओ चलो, आओ मेरे साथ। मामा, जानना है क्या? जाकर आते हैं भांजे, प्रसाद चखा है तो भोजन भी चख लेते हैं। अरे आओ लक्ष्मण। मामा, ये तो दीवार के आर पार निकल गए। जय शिव शंभो। अरे अभी तो बहुत कुछ नया देखना है, चलो मामा आगे चलो। मामा, ये कपड़ों का ढेर तो देखो, अर्जुन काका हमें धोबी घाट दिखाने लाए हैं क्या? अरे मामा, ये कपड़े हमें धोने तो नहीं पड़ेंगे ना? चुप। जय शिव शंभो। लक्ष्मण, ये धोबी घाट नहीं है, अरे ठीक से तो देखो।
मामा ये साड़ियों में सुंदरियां हैं या सुंदरियों में साड़ियां हैं? जय 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 शिव शंभो। आओ आओ चलो। काका ये तो बहुत अच्छे हैं। आइए आप लोगों को थोड़ा मनोरंजन करवाता हूँ। आइए। क्या क्या मनोरंजन करवाएंगे? लड़कियां दिखलाएंगे। लेकिन काका बोलना नहीं, बीच में बोलोगे तो लड़का से लड़की बन जाओगे। हाँ समझ गए? नहीं बोलूंगा। समझ गए ना? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। जय श्री शंभो। मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है भांजे। देखो झीलम पहली कर प्रीतम दूर करीतम नाथ अनीतम नहीं सारे कहे राधे प्यारे मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी रे जिरे गोकुल आओ गिरधारी रे जिरे गोकुल आओ गिरधारी उठो जी मेरे घर पिछवाड़े मोहन मुरली बजाए पलासम पल आसम स्वामी सहवासम जिल जिलासम हृदय उलासन मैं हारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी रे जिरे गोकुल आओ गिरधारी रे जिरे गोकुल आओ गिरधारी उठो जी मेरे घर पिछवाड़े मोहन मुरली बजाए मोहन मुरली बजाए मेरा प्यार।
कुछ बोलूं क्या? चुप। चलो चलो आओ। इतना बहुत अच्छा था। पधारो। अरे 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 यहाँ पानी है। हाँ, मामा ये तो पानी है। चुप रहो। तुम में पानी का अभाव है, पानी होते हुए भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। जय शिव शंभो। अरे मूर्ख, इस माया महल में सब उल्टा है। हमें दिखाई कुछ और देता है और होता कुछ और है। नहीं पिताजी, फिर आप मुझे कभी नहीं कहना कि मुझ में पानी नहीं है। चुप रहो। देखो मैं अभी जाता हूँ। अरे रे 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 अरे अरे पांचाली। पानी जैसा पानी नहीं दिखा, कहाँ से दिखेगा? अंध का पुत्र अंधा ही होगा ना। अंध का पुत्र अंधा ही होगा ना। पांचाली, इस शब्द का इस्तेमाल करके तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे माता पिता का अपमान किया है। नहीं नहीं, आप तो छोटे देवर हो, इसीलिए मात्र विनोद कर रही थी। जिससे दिल को दुख हो, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके उसे विनोद का नाम ना दो पांचाली। अरे देवर भाभी के बीच के व्यवहार को बैर का रूप तो आप दे रहे हैं दुर्योधन। द्रौपदी, बैर को तुम्हारे कड़वे जहर के शब्दों ने आमंत्रित किया है और अभिमानी अग्नि को भी आमंत्रित किया है। बैर के बीच तुमने उगला है पांचाली, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। आप तो बड़े हो, आप इन्हें समझाओ, ऐसा बोलकर कड़वाहट बढ़ाओ नहीं। बैर तो बढ़ चुका है पांचाली, तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे हृदय पर घाव किया है। इस बैर का बदला मैं ना लूं तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। लो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस लिए है? आप मामा बन गए हो। मामा, दो दो बार मामा ना बोलो, कहीं जुड़वे आ गए तो। भैया। बहन, पांडव कुशल तो है ना? हाँ भैया, वो सब लोग द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर गए हैं। हस्तिनापुर? अचानक? माया महल में द्रौपदी बहन ने दुर्योधन के साथ मजाक किया, वो मजाक दुर्योधन को अपमानजनक लगा और वे क्रोधित होकर चले गए। इसलिए पांचों भाई द्रौपदी बहन को साथ लेकर उन्हें मनाने गए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ बहन। युधिष्ठिर भोले हैं और कौरव कपटे, कहीं मामा शकुनि के जाल में न फंस जाए। युधिष्ठिर, द्रौपदी के किए हुए अपमान की क्षमा मांगने और फिर से भाईचारा बढ़ाने के लिए पासा खेलने को तैयार तो हो, किंतु इसका परिणाम तुम्हें पता है? जानता हूँ मामा, पासा फेंको। अवश्य, किंतु दुर्योधन, दाव पर तुम क्या लगा रहे हो? धन, संपत्ति, राज्य और हस्तिनापुर। और युधिष्ठिर, तुम? धन, संपत्ति, हमारा राज्य और इंद्रप्रस्थ। फेंको मामा, हमारे पांच। और हमारे छह। पासा फेंको मामा। जय शिव शंभो। ये देखो, जीते, हम जीत गए। वाह मामा वाह। युधिष्ठिर, अब दांव पर क्या लगा रहे हो? मेरी मानो तो चारों भाइयों को दांव पर लगा दो। हाँ, और मात्र पांच पांडवों के सामने मैं अपने 100 कौरवों को दांव पर लगाने को तैयार हूँ। स्वीकार है, हमारे चार। और भांजे हमारे? 7। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। जीते जीते, ये बाजी भी हम जीते। शकुनि मामा की जय हो, जय हो। युधिष्ठिर, उतारो कीमती अलंकार। बस करो, रोको इसे, ये अनर्थ हो रहा है। गुरुदेव, आंखों से मैं लाचार हूँ, आज्ञा देकर ये अनर्थ रोक सकते हो धृतराष्ट्र? सत्य है पितामह, किंतु खेल रोक देने से पांडुओं द्वारा हारा हुआ कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर, इस अंतिम दांव पर कुछ लगाओ, हो सकता है भगवान इस बार तुम्हारी सहायता करे। अब है कुछ दांव पर लगाने को? कुछ नहीं है मामा। है युधिष्ठिर, है पांचाली। नीच, पांचाली का नाम लिया तो तुम्हारी चबान खींच लूंगा मैं। शांत हो जाओ भीम। मामा, यदि हम पांचाली को दांव पर लगाकर जीत गए तो अब तक जितना हारे हो वो सब वापस। किंतु पांडव हारे तो पांडवों के साथ पांचाली को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास।
और अज्ञातवास के दौरान पहचाने गए तो जय शिव शंभो। तो फिर दोबारा 13 वर्ष का वनवास। बस करो, अब हद हो रही है। जुआ सर्वनाश का दूसरा नाम है। फिर भी पितामह, पांडव ना समझ सके ऐसे बालक तो नहीं है। जैसी युधिष्ठिर की इच्छा। बोलो युधिष्ठिर, ये आखिरी अवसर आजमाना चाहते हो कि खेल बंद करना चाहते हो? मैं द्रौपदी को दांव पर लगा रहा हूँ मामा, फेंको मेरे 4। हमारे 12। लो आ गए 12 भांजे। जीते, ये बाजी भी हम जीते। अब द्रौपदी हमारी दासी है, आज हम अपमान का बदला लेंगे। दुशासन, जी भैया, द्रौपदी को लेकर आओ, घसीट कर लेकर आओ। जो आज्ञा। चल, छोड़ दे मुझे। आजा, छोड़ दे पापी, छोड़ दे मुझे। चल, छोड़ दे मुझे। चल। अर्जुन, भीम, पांडव, ये पापी भरी सभा में मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीट रहा है और तुम सब चुप बैठे हो। एक भी शब्द इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है पांचाली। ये हारे हुए हमारे दास हैं। तो शासन, जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बाल खींचे हैं वो हाथ में तोड़ दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और दुशासन का रक्त मैं अपने बालों में जब तक ना लगाऊं, तब तक ये बाल ऐसे ही खुले रहेंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। दुशासन, दिखा दे द्रौपदी को कि अंधे का पुत्र अंधा नहीं। इसे निर्वस्त्र करो और बैठाओ मेरी जांग पर। दुष्ट दुर्योधन, मेरी गदा से तुम्हारी जांग ना तोड़ू तो मेरा नाम भीम नहीं। अरे चुप, किसकी राह देख रहे हो दुशासन? उतारो इसके कपड़े। एक ख्याल। गुरुदेव, आपको न्याय देवता की कसम है, बचा लो मुझे। महाराज, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ, कुल की मर्यादा हूँ। आपके पुत्र मेरी लाज लूट रहे हैं, रोको उन्हें, रोको। रक्षा करो पितामह, मेरी रक्षा करो। स्त्री मर्यादा की रक्षा करने सदा तत्पर ऐसे है पांडव। पत्नी का वस्त्र हरण हो रहा है और फिर भी चुप हो। अरे पराजित हो चुके थे तो इस पांचाली को दांव पर लगाने का आपको क्या अधिकार था? दीजिए जवाब, क्या अधिकार था? अधिकार का जवाब पांडव क्या देंगे पांचाली? जवाब तो मैंने दिया है तुम्हारे जहरीले तानों का। आज भरी सभा में तुम्हारा वस्त्र हरण होगा और ये पराक्रमी पांडव अंधे होकर बैठे हैं। अब जवाब तुम दो कि अंधे का पुत्र अंधा है इन देखने वालों का? दुशासन, इसके वस्त्र हरण करो। कभी ना हुई तीनों लोक में ऐसी अनहोनी हुई कि फिर नजरों में पत्नी के है आप हो झंझा। लाज लुटाई मेरी, लाज लुटाई। धृतराष्ट्र ये, द्रोण गुरु ये, भीष्म पिता ब्रह्मचारी, नीति धर्म के पुतले, बोलो कहाँ गई बुद्धि तुम्हारी? कहाँ गई बुद्धि तुम्हारी? लाज लुटाई मेरी, लाज लुटाई मेरी। पड़ी काया में वृद्ध नाहक उम्र बढ़ाई, पुत्र वधू के चीर लूटते नजरों में
हाँ? अरे ओ बंदर, कौन है भाई? मैं तुम्हारा भाई नहीं, भीम हूँ। हटाओ अपनी पूछ। जाना है तो पूछ लांग कर जाओ। तुम जैसे तुच्छ बंदर की पूछ मैं लांगू? हटाओ अपनी पूछ, नहीं तो फेंक दूंगा। शक्ति का इतना अभिमान है तुम्हें? मैं वृद्ध हो गया हूँ, पूछ हटाने की मुझमें शक्ति नहीं है। ऐसा करो, तुम ही पूछ हटा दो। मेरे फेंके हुए हाथी अभी भी आसमान में उड़ रहे हैं। एक झापड़ मारूंगा तो ढूंढने से भी तुम नहीं मिलोगे। अच्छे शूरवीर हो तुम, वृद्ध वानर को फेंक देने की बात करते हो। ठीक है, पूछ ना हटाना हो तो ठीक है, उसे उठाकर नीचे से चले जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। लगता है तुम थक गए हो, पानी पियोगे क्या? नहीं चाहिए।
शक्ति की वृद्धि के लिए बेर उत्तम फल है, प्रभु राम जी ने भी खाए थे। दो चार खा लो, शक्ति आ जाएगी। नहीं खाना। अरे लगता है आप कोई साधारण वानर नहीं हो। कौन है आप? चमत्कार हुआ तो नमस्कार किया क्यों? मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई पवन पुत्र हनुमान। बड़े भैया, पवन पुत्र हनुमान आप स्वयं? हाँ भाई। जय सियाराम। मैं आपको पहचान नहीं पाया, दृष्टता की क्षमा करें, आशीर्वाद दीजिए बड़े भाई। वत्स, तुम्हारा अभिमान तोड़ने के लिए ही मैंने ये किया था। विजय होना भाई। देख सकता हूँ कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध तो होगा ही। आपका साथ हमें विजयी बनाएगा। जय हो। युद्ध के दौरान मेरी आदि शक्ति तुम में आएगी और मैं अर्जुन के रथ की पताका में वास करूंगा। हम कृतार्थ होंगे। 12 वर्ष का वनवास पूर्ण हो गया है। 1 वर्ष का अज्ञात वास तुम सब विराट राजा की सेवा में बिताओ। जैसी आज्ञा बड़े भैया। क्या पांडव वीर है। एक भाई पासे खेल रहे हैं, एक घोड़े को धो रहे हैं, एक गाय की सेवा कर रहे हैं और आप जैसे भोजन वीर रसोई में बैठे हैं। अरे श्रीमती जी, सब पुरुष क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा करने से अच्छा है जाकर विराट रानी के केश सवारो केश। और सुनो, उसमें कंघी मत घुमाना, कलछुल घुमाना कलछुल। लो लड्डू खाओगी? महाराज, ये लड्डू खाते खाते ये दूध पाक में नमक डालना भूलना नहीं। पानी में घी डालना और इस दाल को शक्कर से बघारना, शक्कर से। और अभी प्रश्न इस कड़छे का नहीं, प्रश्न तो पार्थ का। अभी वह विराट कन्या उत्तरा को नृत्य सिखा रहे हैं, नृत्य। मामा, पांडवों के 12 वर्ष का वनवास तो पूर्ण हो चुका है और अब तो अज्ञातवास भी शुरू हो चुका है। वो अज्ञातवास का 1 वर्ष भी पानी के रेले की तरह चला जाएगा दुर्योधन। इससे पहले हमें पांडवों को कैसे भी ढूंढ निकालना होगा। इस उम्र में आंख में चलनी खेलनी है तुम्हें? चुप। अब बीच में बोलोगे तो पांडवों को ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें वनवास भेज दूंगा। भांजे, तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने अपने गुप्तचरों को पांडवों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में खप खप भेज दिया है। बस करो, बस करो, द्रौपदी और पांडव को दुख देने वाली बात मत करो। अनुमति, मुझे पांडवों को ढूंढ कर फिर से 13 वर्ष का वनवास भेजना है और इस प्रकार मैं हमेशा राजा रहूंगा। क्या बात है विराट नरेश, आज आपका ध्यान खेल में नहीं है, कुछ चिंता है क्या? सही कहा, कौरव सेना के लोग अपनी गायों को ले गए, मेरा पुत्र उनके पीछे गया है जो अभी तक लौटा नहीं। चिंता ना करें नरेश, वृह नारायण उनके साथ हैं। वे क्या करेंगे? पिताजी आ गए बेटा। हाँ, गायों को भी साथ लेकर आया हूँ। अभिनंदन बेटा। अभिनंदन का अधिकारी मैं नहीं, वो धनुषधारी अर्जुन है। अर्जुन। प्रणाम महाराज। हाँ राजन, अज्ञातवास का समय बिताने के लिए हम पांचों भाइयों ने आपकी सेवा स्वीकार की थी। ओहो, मेरी दृष्टि पराक्रमी पांडवों को पहचान न सकी, अपने पास सेवा करवाने का मैंने अपराध किया है। नहीं नरेश, हमें ने अपना परिचय आपको नहीं दिया। और अब तो अज्ञातवास भी पूर्ण हुआ है, हमें जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। अवश्य अर्जुन, किंतु मेरी एक विनती स्वीकारो। हाँ कहिए।
मेरी पुत्री उत्तरा को आप स्वीकार करो। परंतु मैं तो उनका गुरु हूँ महाराज। अर्थात अपनी पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करो। हमें आनंद होगा। तो उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह की विधि पूर्ण होते ही आप सुख से प्रस्थान करिएगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। हे धर्म कम के वचन बंधे रे काहे अब शर्माए, अरे ओ रूप की रानी मन मंदिर में बसी हो, अरे ओ रूप की रानी मन मंदिर में बसी हो। वचन बंधे रे काहे अब शर्माए, अरे वो रूप की रानी मन मंदिर में बसी हो, अरे वो रूप की रानी मन मंदिर में बसी हो। अभिमन्यु और विराट कन्या उत्तरा आपका आशीर्वाद लेने एक साथ आए हैं। कहाँ है, कहाँ है दोनों? सदा सुखी रहो, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। युधिष्ठिर, 13 वर्ष के वनवास के बाद आए हो, आयुष्मान भव। उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह का भी अभिनंदन। पूज्य पितामह और पूज्य काका, अब हमें हमारे राज्य और अधिकार वापस मिलने चाहिए। युधिष्ठिर, राज्य और अधिकार मांगने से नहीं मिलते, वो तो छाती चौड़ी करके लड़ने से मिलते हैं। तुम्हारा ये अभिमान कौरवों की मौत का कारण बनेगा दुर्योधन। 100 के 100 भाई धरती की धूल चाटते रह जाओगे। जय शिव शंभू।
दुर्योधन को अगर डर लगता हो तो राज्य सौंप दे और चला जाए वन में। मामा, मेरे जीते जी राज्य तो क्या, एक सुई जितनी भूमि भी नहीं दूंगा पांडवों को। यदि इन्हें राज्य प्राप्त करना है तो लड़कर लेना होगा। तो हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं दुर्योधन, चलिए बड़े भैया। इतना अहंकार किसकी शक्ति पर? द्वारिकाधीश कृष्ण की। दुर्योधन, पांडव उनके पास पहुंच जाए उससे पहले तुम श्री कृष्ण के पास पहुंच जाओ। पार्थ, कब आए? केशव, प्रथम मैं आया हूँ, इसलिए सहाय सहकार मांगने का प्रथम अधिकार मेरा है। सहाय सहकार किस लिए? कौरव पांडवों के बीच युद्ध में। युद्ध में? क्या ये बात सत्य है अर्जुन? हाँ माधव, मैं भी आपके पास सहकार मांगने ही आया हूँ। ओह, ये तो धर्म संकट आन पड़ा। कौरव नरेश प्रथम आए हैं, इसलिए इन्हें साथ मिलना ही चाहिए। हाँ द्वारकाधीश। किंतु पार्थ को मैंने पहले देखा, इसलिए इन्हें साथ देने से भी मैं इनकार नहीं कर सकता। आप धर्माधिकारी हो माधव। किंतु केशव, मैं प्रथम। माना दुर्योधन कि आप पहले आए हो, इसलिए पहली पसंद आपकी। बोलो क्या पसंद करोगे तुम, मुझे या मेरी नारायणी सेना को? मैं तो। किंतु प्रत्युत्तर देने से पहले बराबर सोच लो दुर्योधन। आप दोनों ने मेरा साथ मांगा है और साथ मांगने वाले पर शस्त्र नहीं उठाते, इसलिए युद्ध के दौरान मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और युद्ध भी नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब बोलो क्या पसंद करोगे तुम? कृष्ण, मुझे आप अपनी नारायणी सेना दीजिए। तथास्तु। अर्जुन, दुर्योधन तो सब ले गया। और मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया माधव। मतलब? नारायणी सेना प्राप्त करने के आनंद में उसने क्या खोया है यह दुर्योधन नहीं जानता। क्या खोया है? जो मुझे प्राप्त हुआ है, स्वयं आप। किंतु युद्ध के दौरान मैं हथियार हाथ में नहीं लूंगा। ठीक है, परंतु आप मेरा सारथी बनने की कृपा करना। सारथी बनना मुझे स्वीकार्य है, उसके बाद मुझे सारथी के पार्थ के रूप में पहचानेंगे। जीवन हो या संग्राम, स्वयं द्वारिकाधीश जिनके साथ हो वह अवश्य विजयी होगा। किंतु पार्थ, युद्ध से पहले शांति के लिए प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। सभी बड़ों को प्रणाम। आज मैं द्वारिकाधीश के नाते नहीं बल्कि शांति दूत बन के आया हूं। कौरव सम्राट धृतराष्ट्र, पांडवों को न्याय दीजिए। मैं तो समझा कर हार गया मधुसूदन। द्रोणाचार्य, आप समझाइए अपने शिष्य को। मैं लाचार हूं कृष्ण। ओह, आपकी बात दुर्योधन नहीं टालेगा पितामह। मैं तो समझा कर थक गया हूं मधुसूदन। पांडवों ने अपने वनवास की मुद्दत पूर्ण की है, इसलिए उन्हें उनका अधिकार अब वापस मिलना चाहिए। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। अधिकार तो बाहुबली ही प्राप्त करते हैं। उनमें शक्ति हो तो लड़कर लेना। अपने ही भाइयों के साथ पांडव युद्ध नहीं करना चाहते, आखिर कुछ नहीं तो उनके जीवन निर्वाह के लिए पांच एक गांव तो दे दीजिए। बिना युद्ध के मैं इन्हें सुई जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, जाकर पांडवों से कहो कि वे द्रौपदी को लेकर यहाँ आए, कौरवों के चरण धोएं और मस्तक झुकाकर याचना करें, तो संभव है कि दुर्योधन को दया आ जाए और चार पांच गांव दान में दे दें। दान? दान? जिस प्रकार तुम्हें मिला है अंग देश का। कृष्णा, वो दान नहीं है माधव, भेंट है। भेंट? वो भेंट नहीं है दुर्योधन, कीमत है। अंग देश के बदले में तुमने कर्ण की आत्मा और स्वाभिमान खरीद लिया है। जय श्री शंभो। कृष्ण, तुम शांति दूत बनकर आए हो या ऐसा बोलकर कर्ण और दुर्योधन के बीच
कलह निर्माण करने आए हो। भाइयों के बीच में एकता हो ऐसा चाहते हो तो समझाओ दुर्योधन को। वो जो कुछ करता है ठीक ही करता है। द्वारकाधीश, जाकर कहो पांडवों से हम से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें युद्ध करना होगा। युद्ध के परिणाम की कल्पना तुम्हें नहीं है दुर्योधन, और उसमें ये युद्ध सामान्य युद्ध नहीं होगा। इसमें भाई भाई के बीच के संबंध टूटेंगे, युद्ध भूमि में कितने ही निर्दोषों का रक्त बहेगा, मृत देहों का ढेर लग जाएगा, कितने ही बालक अनाथ हो जाएंगे, सुहागिनों की मांग उजड़ जाएगी, धरती धरती मृत भूमि बन जाएगी। जय श्री शंभो। दुर्योधन, यदि तुम्हें ऐसा लगता हो तो युधिष्ठिर की चरण धूल को मस्तक पर लगाओ, सौंप दो राज्य उन्हें। मैं उन कायरों के चरणों में अपना मस्तक झुकाऊं? पांडव कायर नहीं है दुर्योधन, तुम अपने पूज्य बड़ों के अनुभव का लाभ। उपदेश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है कृष्ण, ये ना भूलिए कि अब शांति दूत बनकर आए हैं, चले जाइए यहाँ से, नहीं तो हमें आपका अपमान करना पड़ेगा। किसी का सम्मान करना तुम्हें आता ही कहाँ है कृष्ण? तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है। मेरी सभा में तुम्हारी ऐसी हिम्मत, सैनिकों देख क्या रहे हो, पकड़ लो इसे। नहीं नहीं। प्रलय को पकड़ना चाहते हो दुर्योधन? तो सुनो, इस भरी सभा में तुमने मेरी बहन को निवस्त्र करने की चेष्टा की थी, आज द्रौपदी के खुले और सूखे बाल इंतजार कर रहे हैं इस दुर्योधन के रक्त का, भीम की गदा इंतजार कर रही है तुम्हारी जांघों को चूर चूर करने की, और यह धरती इंतजार कर रही है तुम जैसे पापी की मृत्यु की। दुर्योधन, यह युद्ध होगा और अवश्य होगा। नहीं मधुसूदन, यह युद्ध मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? किस लिए? सगे संबंधियों पर मैं किस तरह से शस्त्र उठाऊंगा, यह विष्णु पितामह जिनकी गोद में मैं खेला और जिनकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा। सत्य है पार्थ। और ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु, शस्त्र विद्या का ज्ञान मैंने इनसे लिया, और आज उसी ज्ञान से मैं उनका वध करूं? ये मामा शकुनी, ये मेरा भाई दुर्योधन, ये दुशासन, ये सब के रक्त से रंगी धरती का स्वामी बनने से अच्छा है कि मैं धरती की धूल में समा जाऊं। पार्थ, मानव मात्र मृत्यु के पात्र। नहीं माधव, यह युद्ध में नहीं करूंगा। मैं इन्हें नहीं मार पाऊंगा, मैं इन सब की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तो ये सब तुम्हारी मृत्यु के निमित्त बनेंगे। जिसने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया वो भविष्य में उत्तरा और सुभद्रा का भी वस्त्र हरण करेंगे, जो पत्नी के साथ किया वो पुत्र वधू के साथ भी करेंगे। इन पापियों को मारना यही मनुष्य का धर्म है अर्जुन। किंतु ये हिंसा है माधव। न्याय के लिए उठाया गया शस्त्र हिंसा नहीं है पार्थ। केशव, जो निर्माण है वही स्थायी है, ये जो कुछ हो रहा है ये तू कर रहा है, ऐसा भ्रम अपने हृदय से निकाल दो। तू मात्र निमित है, तू सद्भागी है जो इस पुण्य कर्म का सहभागी बनने वाला है। देखो मेरी ओर और पहचानो मेरे रूप को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे
सृष्टि को सृजन किया, जीव जंतु को उत्पन्न किया, आग का गोला रचा के नौकन को मैंने स्थापित किया। हे मच्छ का अंग अवतार लेके मैंने वेद को तारा, है कुछ के अवतार से समंदर में काम पाया। डूबी हुई पृथ्वी को वराह बन के उठाया था, नरसिंह हो के हरिण कश्यप के सीने को चीरा था। वामन से विराट हुआ, पाताल बलि को जलाया, परशु से परशु ने उत्पात वहां मचाया। हे संपूर्ण अयोध्या का राम राजा, पर वन वन भटका मैं, और कृष्ण रूप से कंस का सर जमीन पे पटका। हे शांति का संदेश लेके मैं बुद्ध रूप से अवतार लिया, हे कलयुग नकलंक हूँ मैं, जुदा जुदा स्वरूप से मैं जग में पहचाना। मनुष्य हेतु के लिए दश अवतार जग में मैंने लिए, हे मैं युग युग जन्म जन्म लेने का वचन मैंने दिया। सर्जन उसर्जन करूं मैं तो काल का भी काल हूँ, हूँ स्वामी मैं तो ये जग का और पृथ्वी का रक्षक हूँ। ना हट कर विलाप अर्जुन, कर्म कर करने का तू। आज्ञा करो माधव, अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। तथास्तु। आकाश तीरों से घिर गया है, भीष्म पितामह सर्वनाश कर देंगे। देखा दुर्योधन, पितामह ने आकाश में बाणों की छत बना दी है, जिससे अर्जुन को कोई मार ही ना सके। जय श्री शंभो। मामा, पितामह सेनापति अपने हैं, लेकिन उन्हें पांडव प्रिय हैं। अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को पशुपति अस्त्र से छिन्न भिन्न कर दो। ऐसे शंभो, देखा पितामह के बाणों को अर्जुन ने किस तरह से काट कर रख दिया। पितामह के बाण आकाश में व्यर्थ हो रहे हैं, इसकी जगह यदि अर्जुन के रथ पर बरसते तो। कैसे बरसेंगे, उसके रथ को उनके पूज्य श्री कृष्ण हाँक रहे हैं। अब समझा मामा, ये पितामह रथ पर बाण क्यों नहीं चला रहे। भांजे, शायद उनके आराध्य देव कृष्ण रूठ जाएं और उनकी प्रतिज्ञा टूट जाए तो। अरे वो क्या कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। चुप रहो, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ कर ही रहूंगा। पितामह, शार्थी पर शस्त्र का वार कर आप युद्ध के नियमों को भंग कर रहे हैं। माधव, युद्ध में विजय प्राप्ति का कोई नियम नहीं होता। किंतु आपने नीति नियम पहले तोड़े हैं पितामह, फिर मैं क्यों बंधन में रहूं?
मधुसूदन, मधुसूदन, मेरे कारण आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ें। धन्य है प्रभु, आज एक भक्त भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ रहा है। यह शस्त्र नहीं, रथ का पहिया है। यह आपकी लीला का चक्र है मधुसूदन। माधव, माधव पितामह इस तरह युद्ध करते रहे तो हमारे विजय की कोई संभावना नहीं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। हाँ? उन्हें कोई मार भी नहीं सकता, और इस युद्ध में कौरवों पर विजय हासिल करना संभव है। संभव है पार्थ। किस प्रकार? कल से सेनापति आप नहीं रहेंगे माधव। हाँ, अपने सेनापति वो होंगे जिस पर पितामह बाण नहीं चला सकते। कौन है वो वीर पुरुष? ये रहे। अरे हाँ? श्रीखंडी। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं, चूड़ियां घनकेंगी। नैनों के बाण चलेंगे, नजरों के निशान लगेंगे। आए हाय हाय, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो शर्म आ रही है। क्या पांडवों में कोई वीर पुरुष नहीं जो सेनापति का पद, जो ना स्त्री है ना ही पुरुष, ऐसे श्रीखंडी को सौंप दिए? ये सब कृष्ण की ही चालाकी लगती है। चलाओ बाण। युद्ध के मैदान में शब्दों का खेल नहीं होता पितामह। देखता हूँ कि अब तुम्हें कौन बचाता है। यही सही अवसर है अर्जुन, यदि इसे चुके तो सब चुके समझ लेना। चलाओ बाण, चलाओ। भगवान परशुराम भी नहीं हरा पाए, ऐसे महान योद्धा गंगा पुत्र भीष्म पितामह को अर्जुन तुमने पराजित कर दिया। आपका आशीर्वाद है माधव, किंतु पांडव इतिहास में लिखा जाएगा कि पितामह को पराजित करने के लिए अर्जुन ने श्रीखंडी का सहारा लिया। माधव, इस विजय के लिए मैं हर्षित हूं या कलंक के लिए आंसू बहाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है माधव, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पितामह जैसे पराक्रमी पुरुष की पराजय ये तुम्हारा कलंक नहीं परंतु गौरव गाथा है। मेरा मस्तक आधार चाहता है। खड़े क्या हो दुशासन, जल्दी जाओ और रेशमी तकिए लेकर आओ। अभी ले आया बड़े भाई। बड़े भाई लीजिए तकिया। मृत्यु में भी मशखरी, सम्रांगण में सोए वीर को रेशमी नर्म तकिए का आधार नहीं होता, उसे तो सहारा होता है तीरों का। अर्जुन, अन्य कोई इच्छा? मेरे इच्छित मृत्यु की, सूर्य नारायण के उत्तरायण की प्रतीक्षा है। मेरा गला सूख रहा है, पानी मात्र पानी। दुशासन, जाओ जाकर पानी लेकर आओ। जैसी आज्ञा बड़े भाई। पानी प्रत्यक्ष है पितामह। गंगा जल है? पानी है किंतु गंगा जल नहीं है। मुझे तो गंगा जल चाहिए। परंतु गंगा जल तो यहाँ नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना?
अर्जुन। पार्थ, अब आप सब प्रस्थान करो। मृत्यु के अंतिम सांस की पवित्रता मुझे प्रभु के पास बितानी है। कल्याण हो। माधव, संत सप्त ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। मैं ना जाऊं तो क्षत्रिय धर्म लज्जित हो जाएगा, किंतु यहाँ कुरुक्षेत्र को हम चारों भाई संभाल लेंगे। चलो पार्थ, विलंब ना करो, चलो। पार्थ, पार्थ। सहदेव। पार्थ कहाँ है? गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह? पार्थ तो गया, अब चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा? पार्थ पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ेगा। तुम चक्रव्यूह तोड़ोगे? हाँ, मैं जब माँ के पेट में था तभी 6 द्वार तोड़ने का ज्ञान मुझे प्राप्त हो चुका है, परंतु 7वें द्वार की बात शुरू होते ही माता को निद्रा आ गई और मैं 7वां द्वार तोड़ने का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका। 7वां द्वार के लिए मैं हूं ना, मैं अपने गदासुर से तोड़ दूंगा। वत्स अभिमन्यु, आज पांडव सेना के तुम सेनापति हो, जाओ, जाकर माता सुभद्रा का आशीर्वाद प्राप्त करो। जैसी आज्ञा। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ पुत्र? माँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ माँ। मात्र तुम ही नहीं, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। सब लोग खुश हैं, माँ कुंती भी खुश है। सर्वत्र बस आनंद आनंद और आनंद ही है। मालूम है क्यों? क्यों माँ? मेरा पुत्र अभिमन्यु पिता बनने वाला है। हाँ माँ। जाकर उत्तरा को तुम्हारे सेनापति बनने का शुभ समाचार दे। माँ, माँ। उत्तरे। अरे पुत्र, आज ऐसा क्या हुआ है जो आपका चेहरा आनंद से खिल उठा है? उत्तरे, आज मुझे पांडव सेना का सेनापति बनाया गया है। जगह।
चिंता ना करो प्रिय, ये कैसा अपशकुन है? जो युद्ध शूरवीर ने छेड़ा है उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आपके आशीर्वाद से उन्होंने दूसरा द्वार भी तोड़ दिया। तीसरा द्वार तोड़ने में अभिमन्यु सफल है। चक्रव्यूह तोड़ने में अपना पुत्र सफल हो गया। चौथा चक्रव्यूह तोड़ने में मेरे पुत्र ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दी है। अरे अब तक तो पांचवा चक्रव्यूह तोड़ रहे होंगे मेरे स्वामी। चारों ओर से टूट पड़ो, अभिमन्यु को मौत के घाट उतारो। चल जाती।
जवान पुत्र वधु का दुख मैं अपनी आंखों से कैसे देख पाऊंगी? कैसे देख पाऊंगी बेटा? अरे मरने की उम्र तो मेरी थी बेटा। अरे मरने की उम्र तो मेरी थी, मेरी पुत्र। अभिमन्यु बेटा, अभिमन्यु। बहन, अपने पुत्र को जिसने छीना है वो खुद भी जीवित नहीं रहेगा। अपने आंसू उसके परिवार का सर्वनाश कर देंगे, सदा के लिए मिट जाएगा, सदा के लिए मिट जाएगा, सदा के लिए मिट जाएगा। किसने मारा मेरे कुलदीपक को? किसने? जवाब दो, किसने मारा मेरे लाल को? मैंने। आपने? बड़े भैया, आपने? हाँ, उसे पांडव का सेनापति ना बनाया होता तो ये घड़ी ना आई होती पार्थ। मतलब आपने उसे सेनापति बनाया? मेरा अभिमन्यु रण संग्राम में वीर गति को प्राप्त हुआ? अरे ये तो बड़े गर्व की बात है बड़े भैया, उसने सुभद्रा की कोख को उज्जवल बनाया है। पार्थ, छह द्वार को तो उसने छिन्न भिन्न कर डाला था, और सातवें द्वार पर सात सात गदाधारियों ने उसे मिलकर मारा। और तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? हमें जयदत्त ने रोक रखा था, अभिमन्यु के मृत्यु का कारण जयदत्त है। जयदत्त, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त के पहले जयदत्त का मैं वध करूंगा। और यदि तुम अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सके तो कल चिता पर चढ़कर अग्नि स्नान करूंगा, ये मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन की यही प्रतिज्ञा उसके मृत्यु का कारण बनेगी। जयदत्त, कुछ कीजिए गुरुदेव, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। जयदत्त, मैं तुम्हें अपने आश्रम में रखूंगा और ऐसे व्यूह की रचना करूंगा कि कल अर्जुन सूर्यास्त से पहले तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। गुरुदेव, अर्जुन को दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी पड़ेगी। जीते जी अर्जुन चिता में चढ़ेगा, अर्जुन को अग्नि स्नान करना पड़ेगा। अग्नि स्नान। रणभूमि में लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं। मतलब इसका अर्थ ये कि पार्थ खुद की पहली प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके और दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने वो जिंदा चिता पर चढ़ेंगे। नहीं नहीं, समय निकल जाए और फिर पछतावे के आंसू बहाने पड़े, मैं उन्हें चिता पर चढ़ने से रोकूंगी, जरूर रोकूंगी। पांचाली, गांडी उधारी पार्थ, सूर्यास्त हो गया है, चढ़ो चिता पर। पार्थ, जिस गांडीव के कारण तुम आजीवन गांडी उधारी कहलाए, जिसने तुम्हारा जीवन भर साथ दिया, उसे भी चिता में अपने साथ ले जाओ।
सारनाथ, आपके साथ मैं भी जीता चढ़ूंगी। पांचाली, पति के जीते जी तुम सती नहीं हो सकती। जय शिव शंभो, किसी के धर्म कर्म के बीच आना ये पाप है पार्थसारथी। हाँ शकुनी, धर्म नीति न्याय इन सब का ज्ञान अब हमें तुम जैसे धार्मिक लोगों से ही तो सीखना होगा ना। यदि अब तक प्राप्त कर लेते तो पांडवों का कल्याण हो जाता, अर्जुन को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब चिता के आसपास अपना रास रचाओ गोकुल के ग्वाला। जयदत्त, तुम औरतों की तरह छिपे नहीं होते तो ये चिता तुम्हारी होती। साम दाम दंड और भेद की बातें भीम की मोटी बुद्धि में नहीं उतरेगी। वीर अर्जुन, प्रतिज्ञा पूरी करो। शुभस्तु शीघ्रम, धर्म कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ पार्थ, सुबह से शीघ्रम प्रतिज्ञा पूर्ण करने का समय हो गया है। स्वामी देखिए देखिए, अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ। हाँ पार्थ, सूर्यास्त होने में अभी अर्ध प्रहर बाकी है, पूर्ण करो तुम्हारी प्रथम प्रतिज्ञा। सावधान अर्जुन, जयद्रथ का सिर जमीन पर नहीं उसके पिता के गोद में ही गिरना चाहिए। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। दानवीर कर्ण की जय हो। पधारिये भूदेव। लो भूदेव, मुझे स्वर्ण दान नहीं चाहिए कर्ण। तो फिर क्या चाहिए? जो मांगूंगा वो मिलेगा? अवश्य। तो मुझे तुम अपना क्वच कुंडल दे दो। द्वार पर आए हुए को दान देने में दानवीर संकोच कर रहा है, मैं जाता हूं। रुक जाओ, दान देते समय कर्ण संकुचित हो तो स्वयं दानवीरता शर्मा जाएगी। देव राजेंद्र, मेरे मन में यह आया कि अर्जुन को विजयी बनाने हेतु इंद्रदेव को कपट कर भूदेव बन कराना पड़ा। इस विचार से जरा रुक गया। कवच कुंडल चाहिए ना? ओम सूर्य देवाय नमः। लीजिए देवराज, ये कवच कुंडल ले जाइए। धन्य है कर्ण, धन्य है दानवीर कर्ण, धन्य है तेरी दानवीरता। तुम्हारा नाम सूर्य और चांद की तरह अमर रहेगा। प्रणाम इंद्रदेव। तुम्हारी मनुष्यता के सामने मैं तुम्हें कुछ ना दूं ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। लो ये अमर शक्ति, किंतु याद रहे इसका उपयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। जिस पर वार करोगे व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रणाम इंद्रदेव। इस शक्ति का वार मैं अर्जुन पर ही करूंगा। मधुसूदन मधुसूदन, कौरवों ने रात्रि युद्ध शुरू कर दिया है, कर्ण हाहाकार मचा रहा है। प्रणाम। इसकी चिंता आप न करो भीमसेन, उसके सामने मैं जाऊंगा। नहीं पार्थ, यानी थी युद्ध केवल तुम्हें मारने के लिए है। इंद्र की आमोद शक्ति पाकर कर्ण तुम्हें ढूंढ रहा है। भीम, आज्ञा करो। अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाओ। घटोत्कच, प्रकट हो। घटोत्कच,
पूज्य जनों को प्रणाम। आज्ञा करें पिताश्री। घटोत्कच, आज तुम पितृण से मुक्त होना चाहते हो? जी। जीवन का मर्म जानते हो? अवश्य, मैं पांडव पुत्र हूँ। तो अर्जुन, कहाँ छिपा है कायर? बाहर आओ, आज इस इंद्र की शक्ति से तुम नहीं बच पाओगे। सामने आओ, मैं कहता हूँ। पहले अपने प्राण बचाओ कर्ण। इस मायावी घटोत्कच को जल्दी मारो कर्ण, नहीं तो ये सर्वनाश कर देगा। मेरी कोई शक्ति इस मायावी पर काम नहीं कर रही है। तो इंद्र की शक्ति का उपयोग करो कर्ण। इंद्र की शक्ति केवल अर्जुन को मारने के लिए है मामा। अर्जुन को मारने से पहले तुम स्वयं ही मारे जाओगे। अर्जुन के पुत्र का बदला देख लिया तुमने? इंद्र की शक्ति पास होने के बाद भी ये अपमान सहन कर रहे हो कर्ण? बेकार है तुम्हारी वीरता पर। कर्ण, इस मायावी राक्षस को खत्म कर दो। घटोत्कच का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता दासी पुत्र। घटोत्कच, इंद्र की शक्ति के सामने अब तुम नहीं बच पाओगे। तुम धन्य हो कर्ण, मायावी घटोत्कच को मार के तुमने कौरव सेना को बचा लिया। जय शिव शंभो। धन्य हो। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। महारथी कर्ण। सूर्यदेव आप? प्रणाम सूर्यदेव। बहुत चिंतित दिख रहे हो आज, क्या बात है वत्स? प्रभु, इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग मुझे घटोत्कच पर करना पड़ा और मेरा शत्रु अर्जुन बच गया। चिंता न करो वत्स, ये 5 बाण मैं तुम्हें देता हूँ, इससे तुम्हारे 5 शत्रु मृत्यु पाएंगे। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। तथास्तु। अब 5 पांडवों की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। कर्ण, कर्ण, कर्ण। कौन हो माँ? आओ माँ। माँ, तुमने मुझे माँ कहा पुत्र? फिर से एक बार माँ कहो पुत्र। तुम्हारी वाणी से माँ शब्द सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे पुत्र। मैंने तो हमेशा परिस्त्री को माँ समान ही देखा है माँ, इसलिए मैंने आपको माँ कहा। परंतु आप मुझे बार बार बेटा बेटा क्यों कह रही हैं? क्योंकि क्योंकि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, मेरी माँ तो राधा है। पर मैं तो तुम्हारे जन्म देने वाली माँ हूँ। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब मैं कुंवारी थी। लोग लाज और निंदा के भय से डरकर मैंने ही तुम्हें टोकरी में रख के पानी में बहा दिया था। और वो बेटा आपको आज याद आया? बोलो कौन हो आप? कर्ण, मैं तुम्हारी वही अभागी माँ कुंती हूँ।
कुंती, माता कुंती, पांडव माता, अरे माँ ये आपने क्या किया, क्या किया? तुम कितनी निर्दयी हो, जवाब दो माँ। जब मुझे पानी में बहा दिया तब मैं आपका पुत्र नहीं था? पांडव बनकर आसानी से जो विद्या में सीख सकता था उस विद्या को सीखने के लिए मुझे महर्षि परशुराम को धोखा देना पड़ा, तब मैं आपका पुत्र नहीं था? बोलो। पुत्र कर्ण। भरी सभा में द्रौपदी ने मुझे दासी पुत्र कहकर मेरा अपमान किया, तब मैं तुम्हारा पुत्र नहीं था? और जब आज तुम्हारे पांडव पर मृत्यु मंडरा रही है तब अचानक तुम्हें तुम्हारा पुत्र याद आया? बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम दोगे? कर्ण के द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। तो मांगती हूँ मेरे पांचों पांडव के प्राण। और इस छठे पांडव को भूल गई? हे भगवान, ये कैसी बात मेरे मुंह से निकल गई? भूल से ही सही, धनुष में से निकला तीर और मुंह में से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। पांडव के जीवन के लिए इंद्रदेव ने आकर मेरा कवच कुंडल मांग लिया और आज तुम पांडवों का जीवन मांग रही हो? अरे सीधा सीधा कहो कि तुम मेरा मृत्यु मांग रही हो? नहीं नहीं, ऐसी अमंगल बातें मत करो पुत्र, ऐसी अमंगल बातें मत करो। क्या क्या तुम चोली फैलाए आई तुम्हारी इस माँ को खाली हाथ भेजोगे? नहीं माँ नहीं, तुम मत रो, जगत में माता से महान कोई नहीं। मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करूंगा, तुम्हारे पांच पांडव जीवित रहेंगे बस। तो ये लो पांडवों के संहारक ये पांच दिव्य बाण। कर्ण तुम सचमुच दानवीर हो। किंतु अर्जुन को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा माँ। पर तुमने तो पांचों पांडवों का जीवन दान दूंगा ऐसा वचन दिया है। हाँ माँ, मेरा वचन सत्य ही रहेगा। आज के युद्ध में या तो अर्जुन मरेगा या कर्ण, तुम्हारे तो पांच पांडव जीवित ही रहेंगे। नहीं कर्ण, मैं तो दोनों तरफ से हार गई। अर्जुन मरे या कर्ण, मेरी तो कोखी उजड़ जाएगी पुत्र, मेरी तो कोखी उजड़ जाएगी। सावधान अर्जुन, आज तुम्हारी अंतिम घड़ी आ गई है। अंतिम घड़ी किसकी है ये मेरा बाण तुम्हें बताएगा कर्ण, सावधान। कर्ण और अर्जुन की जननी एक है, लड़े आमने सामने विधि का ही लेख है। संत रचते हैं उसका जिसका अन्न खाते हैं, ये है महाभारत सत्य की लड़ाई है। युग युग से कथा जिसकी घर घर गवाही। धन्य है कर्ण, धन्य है तुम्हारी जनेता। क्या बात है माधव, कर्ण के रथ को मैंने हिला दिया तभी आप चुप रहे, और कर्ण ने हमारे रथ को थोड़ा ही हिलाया तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अर्जुन, तुम्हारे रथ पर त्रिभुवन का भार लेकर मैं बैठा हूँ, तुम्हारी पताका में महाबली हनुमान विराजमान है, इस रथ को थोड़ा भी हिलाना सरल नहीं है। केशव, लगता है कर्ण के साथ ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। कर्ण को इंद्रदेव का वरदान है, इसलिए जब तक वो रथ से नीचे नहीं उतरेगा अजय रहेगा। ओह।
दुशासन, आज रण संग्राम में तुम मुझे पहली बार मिले हो। पांचाली के केश तुम्हारे रक्त की राह देख रहे हैं। पांचाली, पांचाली, मैंने आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। लो ये दुशासन का रक्त, तुम भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। वाह, धन्य है महाबली भीम, आज तो मेरे आनंद का कोई पार नहीं है। लाइए। अर्जुन, अवसर को पहचानो और बाण चलाओ। केशव, कर्ण इस वक्त निशस्त्र है और निशस्त्र पर बाण चलाना ये नीति शास्त्र के विरुद्ध है। जब सबने मिलकर अकेले अभिमन्यु को धोखे से मारा था तब कहाँ था नीति शास्त्र? इसलिए कहता हूँ समय को पहचानो और बाण चलाओ। अर्जुन, बाण चलाओ। अभिमन्यु को मारने में कर्ण भी शामिल था। मैं कहता हूँ बाण चलाओ। युद्ध में जीतना यही नीति है अर्जुन। बाण चलाओ। मधुसूदन, आज मैंने अपने परम शत्रु को पराजित किया है। आज मैं विजय हुआ हूं। लेकिन माधव, आपकी आंखों में विजय का आनंद होने के बदले शत्रु के पराजय पे आंसू? कौन शत्रु पार्थ? ये आंसू तो छठे पांडव के लिए है। छठा पांडव? हाँ पार्थ, कर्ण तुम्हारा भाई है, पांडव में सबसे बड़ा। क्या कह रहे हो माधव? कर्ण हमारा भाई, सबसे चेष्ट भाई। अर्जुन, सूर्यपुत्र कर्ण तुम सबसे बड़ा है। भाई कर्ण, ये क्या हो गया भाई? भैया, बड़े भैया, ये मैं क्या कर बैठा? मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो। छोटा भाई होकर मैंने आपके प्राण ले लिए भैया, मैंने आपके। अर्जुन, यही पृथ्वी का विधान था भाई। मुझे जब पता चला कि पांडव मेरे भाई हैं, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। और आज जब तुम्हें पता चला, तब मैं विदाई ले रहा हूं भाई, मैं विदाई ले रहा हूं। भैया, आप बड़े हो और राजपद पर मैं बैठा रहा भाई। इस बात का मुझे पहले पता होता तो ये कुरुक्षेत्र ही ना सजी होती भाई। ये तो विधि का विधान है भाई। अर्जुन, अर्जुन। हाँ भैया। भैया, भाई, ओम सूर्याय नमः। भैया, शूरवीरता का सूर्य आज धरती पर से अस्त हो गया। अर्जुन, दान में जिसने अपना जीवन दे दिया, ऐसा दानवीर इस धरती पर अब कभी नहीं जन्मेगा। भैया, भैया, दुर्योधन,
दुर्योधन, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, दुर्योधन की रक्षा करना। अरे कोई है? आज्ञा राजमाता। जल्दी जाओ और भानुमति को यहाँ भेजो। किंतु वो तो अभी अभी मंदिर गए हैं। वो जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर जल्दी यहाँ भेजो। अरे कोई है? आज्ञा करो राजमाता, मेरे पुत्र दुर्योधन को यहाँ जल्दी भेजो और कहो कि वो विवस्त्र होकर यहाँ आए। जैसी आज्ञा। आज मैं अपनी आंखों से पट्टी उतार दूंगी। मेरी आंखों में समाया हुआ सारा तेज दुर्योधन के तन को वज्र बनाकर रख देगा, फिर उसे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। पांचाली, पांचाली जल्दी करो। क्या है भैया? जीते रहो भैया, हर पल आप हमारा कितना ख्याल रखते हो। जो मेरा ध्यान धरता है उसका ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ता है। दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो? माता की आज्ञा का पालन, मुझे वस्त्रहीन दशा में बुलाया है। दासी अभी बता कर गई, मुझे शीघ्र जाना है। किंतु लोक मर्यादा और माँ की मर्यादा नहीं लांघते, इसलिए केले का पत्ता बांध कर जाना, आज्ञा का पालन भी होगा और मर्यादा भी रह जाएगी। मधुसूदन, जीवन में पहली बार आपने मुझे सच्ची सलाह दी, आपका आभारी हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। आ गई पुत्री, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। माँ, मैं आ गया। दुर्योधन, मेरी आज्ञा का पालन किया है ना? हाँ माँ, आप आज्ञा करो और मैं ना मानूं। मैंने तुम्हें वज्र बना दिया है, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। मैंने तुम्हें विवस्त्र अवस्था में आने के लिए कहा था, और ये केले के पत्ते? लोक मर्यादा और जनता की मर्यादा के लिए माँ, कृष्ण ने पहली बार मुझे सच्ची सलाह दी। कृष्णा ने? दुर्योधन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारा पूरा बदन वज्र हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। माँ, आपने मुझे कहाँ आशीर्वाद दिया? मैं तो अभी अभी मंदिर से आ रही हूँ। तो फिर आशीर्वाद ले गई वो कौन थी? मैंने अभी द्रौपदी को बाहर जाते हुए देखा। तो फिर ये काम कपटी कृष्ण का है। कन्हैया, कन्हैया, तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया, मेरी वंशवेल को जड़ से उखाड़ दिया, मेरी आंखों पर बंधी पट्टी का लाभ उठाकर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद ले गई वो। मैंने बहुत साल पहले दुर्वाजुसी से कपट करके वरदान ले लिया था, जैसे किया वैसे ही पाया। दुर्योधन, चले जाओ यहाँ से, जितना दूर हो सके चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, अपनी जान बचा लो। नाथ, Thank you.
नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। वीर भीमसेन, मार मार के तुम थक जाओगे किंतु मेरे शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कारण मेरी माता की आंखों के अखंड तेज और आशीर्वाद से मेरी देह वज्र का बन चुका है। भीम, याद है मैंने तुम्हें कहा था समय को समय का काम करने दो, वो समय आ गया है। माधव, आपकी लीला अपरंपार है। महाराज युधिष्ठिर की जय। युग युग से कथा जिसकी घर घर गवाए रे, ये है महाभारत सत की लड़ाई है।